एशियन गेम्स में राही सरनोबत ने शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता, फाइनल में थाईलैंड के शूटर को हराया। राही सरनोबत पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2014 एशियन गेम्स के टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 27 साल की राही सरनोबत महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं। उनके घर जश्न का माहौल है। राही सरनोबत ने 2010 और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोल्डन गर्ल राही सरनोबत को महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने बनाया रिकॉर्ड, हांगकांग को 26-0 से हराया। चार खिलाड़ियों ने हैट्रिक लगाई। इससे पहले 1932 में भारत को अमेरिका पर 24-1 से जीत मिली थी। वुशु खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। नाउरेम रोशिबिना सदेवी, संतोष कुमार, सूर्य भानु प्रताप सिंह और नरेंद्र ग्रेवाल को वुशु की सेंडा स्पर्धा के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स टेनिस में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने एक और पदक पक्का किया, दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे। टेनिस में अंकिता रैना ने ब्रॉन्ज मेडल लिया किया पक्का। एशियन गेम्स के वुमेन सिंगल क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की वोंग चोंग को हराया। एशियन गेम्स में भारत 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में 7वें पायदान पर। चीन 38 गोल्ड के साथ 83 पदक लेकर नंबर एक पर। भारत ने नॉटिंगम टेस्ट में इंग्लैंड को 203 रन से हराया। आखिरी दिन भारत को एक विकेट चाहिए था जो 17 गेंद पर उसे मिल गया। कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट ने पहली पारी में 97 रन और दूसरी पारी में 103 रन बनाए। पूरे टेस्ट में कुल 200 रन बनाए। टीम इंडिया ने नॉटिंगम टेस्ट में जीत केरल बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की, अपनी मैच फीस केरल की मदद के लिए दी। जीत के बाद कप्तान विराट कोहली बोले, उनकी टीम ने कभी खुद पर भरोसा करना बंद नहीं किया। हालांकि 2 हार के बाद कई लोगों का भरोसा हम पर से उठ गया था। विराट ने अपने अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को दिया। विराट बोले, मैं अपनी पारी अपनी पत्नी को समर्पित करता हूं जो यहां है और मुझे प्रेरित करती रहती है। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने जीत के बाद कहा कि विराट कोहली का जुनून एकदम अलग है और खेल को लेकर उनकी समझ क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर जैसी है। नॉटिंगम टेस्ट की दूसरी पारी में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। ईशांत ने इंग्लैंड के ओपनरों को आउट किया। नॉटिंगम टेस्ट में जीत के बाद भी भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है। सीरीज जीत के लिए भारत को अगले दोनों टेस्ट मैच जीतने हैं। चौथा टेस्ट 30 अगस्त से होगा। इंग्लैंड के आखिरी 2 टेस्ट के लिए बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और जी हनुमा विहारी टीम इंडिया में शामिल। ओपनर मुरली विजय और स्पिनर कुलदीप यादव की छुट्टी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।